हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जो स्टील का जो एंगल होता है दोस्तों उसका वेट कैसे निकाले, राइट। तो दोस्तों ये जो एक स्टील एंगल है दोस्तों उसका मैंने एग्जांपल ले लिया है और उसका जो स्टील का वेट है दोस्तों, ये जो स्टील एंगल है उसका वेट दोस्तों मैं कैलकुलेट कर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा जो एंगल सेक्शन वो उसका डायमेंशन क्या है। तो दोस्तों उसका डायमेंशन है ऐसे जो है वो 30 mm का है, ऐसे वो है 30 mm का, राइट, 30 by 30। और जो उसकी थिकनेस है वो दोस्तों है 8 mm, राइट। तो दोस्तों और उसकी जो लेंथ दोस्तों मैंने ले ली है 1 मीटर, जिससे हम यूनिट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि इसका एरिया निकालना है, राइट। ये जो स्टील सेक्शन है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन को डिवाइड कर देंगे, इसको हम अलग कर देंगे, राइट। ये एक एक एरिया एक और ये एरिया दो, राइट, दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। तो ये यहां से अगर मैं कट कर दूंगा तो ये एक कितना हो जाएगा 22 mm और यहां से 30 by 8 mm। तो हम एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू सेक्शन वन का एरिया कितना आएगा, 22 बाय थिकनेस कितनी है उसकी 8 mm, तो 22 mm बाय 8 mm, ठीक है। इसका एरिया आ गया एक का, प्लस और क्या है दूसरा जो कौन सा है दोस्तों, 30 mm बाय 8 mm, तो 30 mm बाय 8 mm, ठीक है। तो दोस्तों ये करने से, ये एरिया कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि दोस्तों हमें पता है कि एक मीटर बराबर कितना होता है, 1000 mm होता है। तो ये जो सब mm है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय हम सबको 1000 करेंगे, ठीक है, सबको हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ओके। अब दोस्तों हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.022, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 0.008, ठीक है, प्लस 0.030 मल्टीप्लाइड बाय 0.008, ठीक है। ये दोस्तों हो गया हमारा, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये करीबन आएगा इसका 0.00024 प्लस इसका जो आएगा 0.00176। अगर दोनों का समेशन करोगे तो ये आपका आएगा करीबन 0.00416, राइट। ये किस में आएगा दोस्तों, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। तो दोस्तों हमारी जो लेंथ है इसकी 1 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, ये तो एरिया हो गया, राइट। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, राइट, तो वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो दोस्तों एरिया कितना आया मेरा 0.00416, लेंथ कितनी है दोस्तों 1 मीटर, तो यहाँ पे मैं 1 मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.00416 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों हमने मीटर क्यूब में कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका वेट कैलकुलेट करना है। हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास वॉल्यूम आ गया, राइट। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो स्टील की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, स्टील डेंसिटी इज इक्वल टू 7850 kg per meter cube। तो दोस्तों आपको सिंपल क्या करना, अगर वेट कैलकुलेट करना है, राइट, तो वेट इज इक्वल टू, राइट, वेट ऑफ एंगल लिख देता हूं, वेट ऑफ स्टील एंगल इज इक्वल टू जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.00416 मल्टीप्लाइड बाय 7850, ठीक है। दोस्तों ये किसमें है, दोस्तों ये हमारा मीटर क्यूब में है, ये किसमें है केजी पर मीटर क्यूब, राइट, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचेगा क्या, ये कितना हो जाएगा 3.26 kg, राइट। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आ गया है 3.26 kg, किसका वेट आया, इसका वेट आया। दोस्तों सपोज अगर ये जो लेंथ है दोस्तों, ये सपोज 5 मीटर है, ठीक है, ये जो लेंथ है 5 मीटर है, तो आप कैसे उसका 5 मीटर का स्टील एंगल का वेट कितना हो जाएगा, 5 मीटर का वेट ऑफ 5 मीटर स्टील एंगल, तो कितना हो जाएगा 3.26 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा करीबन 16.30
केजी राइट, कितने भी मीटर का हो आप डायरेक्टली इसको एक बार आपके पास यूनिट वेट, इसको आप यूनिट वेट भी बोल सकते हैं। एक मीटर का वेट जो होता है दोस्तों वो यूनिट वेट है। यूनिट वेट को आपको सिर्फ जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप इजिली वो कैलकुलेट कर सकोगे। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.